नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, भारतीय क्रिकेट टीम में दो वरिष्ठ खिलाड़ियों की लड़ाई अब चरम तक पहुंच गई है। इन दोनों के खेमे अब एक दूसरे के खिलाफ खबरें लीक कराने में भी जुट गए हैं। हालांकि इससे टीम इंडिया का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ जुटे हुए हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम के चयन और उसके बाद अंतिम एकादश के चयन को लेकर टीम में गहरे मतभेद थे। अब ये मतभेद चरम तक पहुँच गए हैं और हालात ये हो गई कि टीम के दो सीनियर खिलाड़ियों से जुड़ी मैनेजमेंट एजेंसी और BCCI में इनके गुट के लोग एक दूसरे के खिलाफ खबरें लीक कराने में जुटे हैं। आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि प्रशासकों की समिति यानी COA ने कप्तान विराट कोहली और कोच रवि से पत्नी और प्रेमिकाओं की यात्राओं का ब्यौरा मांगा था। तो अब खबर आई कि एक वरिष्ठ बल्लेबाज ने विश्व कप के दौरान 15 दिनों से ज्यादा समय तक अपनी पत्नी को अपने साथ रखने की इजाजत मांगी थी, लेकिन CEO ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। CEO ने खिलाड़ियों को विश्व कप में पत्नियों और गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए सिर्फ 15 दिन की इजाजत दी थी, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी ने कोच और कप्तान से इजाजत लिए बिना ही अपनी पत्नी और बेटी को विश्व कप की शुरुआत से लेकर विश्व कप के सेमीफाइनल तक, जब तक की टीम इंडिया बाहर हुई, अपने साथ रखा। इन दोनों खिलाड़ियों का प्रबंधन अलग अलग मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं और वो ही अब एक दूसरे के खिलाफ खबरें लीक कर रही हैं, ताकि एक दूसरे की छवि को धूमिल किया जा सके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो यह टीम के लिए अच्छा नहीं है। दोनों खिलाड़ियों को आपस में बैठकर विवाद सुलझा लेना चाहिए। CEO की 21 मई को बैठक हुई थी, जिसमें विश्व कप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को परिवार के साथ रुकने के दिनों पर निर्णय लिया गया था और उसमें कहा गया था कि सिर्फ 15 दिन ही परिवार के सदस्य खिलाड़ी के साथ रह सकते हैं और अगर इस समय से ज्यादा कोई रहना चाहता है तो उसके लिए BCCI प्रबंधन या फिर कोच या कप्तान की इजाजत लेनी होगी। बैठक के मिनट्स में लिखा है कि इस तरह के मामलों को BCCI प्रबंधन ही देखेगा। इसके साथ ही BCCI के संविधान में क्रिकेट और गैर क्रिकेट मामलों को अलग अलग देखने की जरूरत भी बताई गई थी। BCCI के एक अधिकारी कहते हैं कि हाँ, वही खिलाड़ी सवालों के घेरे में हैं जिसके निवेदन को 3 मई की बैठक में ठुकरा दिया गया था। उन्होंने विश्व कप में 15 दिन के नियम को तोड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने पत्नी की समय सीमा को बढ़ाने के लिए कोच या कप्तान से इजाजत ली थी। हालांकि इसका जवाब है नहीं। इस मामले में अभी रिपोर्ट CEO के पास जाना बाकी है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि उस वक्त टीम मैनेजर सुनील सुब्रमण्यम क्या कर रही थी, उन्होंने इस मसले को क्यों नहीं सुलझाया। सुनील सुब्रमण्यम का काम टीम की ट्रेनिंग सत्र देखना नहीं होता, बल्कि इसके लिए कोच, कप्तान और दूसरे सहायक स्टाफ मौजूद होता है। उम्मीद है कि COA इस मामले पर ध्यान रखेगा और टीम मैनेजर से रिपोर्ट मांगेगा। यानी इस वक्त टीम इंडिया में गहरी राजनीति चल रही है। दोस्तों, इस खबर को लाइक करें, साथ ही टीम इंडिया में ये जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।